उत्तराखंड राज्य कल यानी कि 9 नवंबर को 22 साल का हो जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां पुलिस लाइन में लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कल देहरादून की पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल राज्य के लिए कई घोषणाएं भी कर सकते हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है ये जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सिंह। 2000 में बना उत्तराखंड कल अपना 22वां राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं पुलिस लाइन में, जहाँ राज्य स्थापना दिवस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और भव्य तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर भव्य तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं। और कल राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे यहाँ पर, और आम जनता के लिए भी यहाँ पर एंट्री फ्री है और आ सकते हैं देखने के लिए राज्य स्थापना दिवस पर। और कल राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से पुलिस लाइन ग्राउंड में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं। कल राज्य स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ खास घोषणाएं भी यहाँ पर कर सकते हैं, और देखिए किस तरह से यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं। और कल पूरे भव्य तरीके से यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून।